फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं तवा नान, तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए मैं क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ दो कटोरी मैदा लिया है जिसे मैंने छान लिया है, एक चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, एक चम्मच मैंने चीनी ली है, एक चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसा आप खाते हैं। और एक चम्मच मैंने यीस्ट लिया है और मैंने एक ग्लास गुनगुना पानी लिया है। तो पहले हम इसे अच्छी तरह से मार लेते हैं, यानी इसमें ऑयल डाल देंगे, नमक, ईस्ट और ये चीनी। चीनी आप चाहे किसी भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसका पानी के साथ आटा लगाएंगे। हमें नॉर्मल आटा ही लगाना है जैसा कि हम रोटियों के लिए लगाते हैं, हमें ज्यादा गीला या ज्यादा टाइट नहीं रखना है। हमारा आटा लग चुका है और हम इसे अभी एक घंटे के लिए रख देंगे ढककर। आप चाहे तो कपड़े से भी कवर कर सकते हैं या ऐसे प्लेट से भी कवर कर सकते हैं। अब हम एक घंटे बाद बनाते हैं। हमारा आटा फॉर्मेट हो चुका है, ये नान बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए ऐसे खींच रहा है, यानी कि फॉर्मेट हो चुका है। तो चलिए हम इसके नान बनाना शुरू करते हैं। हम इसकी छोटी छोटी लोइयां निकाल लेते हैं और यहाँ मैंने गैस पर तवा गरम होने रख दिया है। यहाँ मैंने थोड़ी सी सूखी मैदा ले ली है, इसको मैदा में करके बेल लेंगे। आपको जैसे पसंद है आप वैसे बेलिए, लंबे पसंद है लंबे बेलिए या गोल बेलिए, मैं इसे लंबा बेलती हूँ। इसमें थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करूंगी, इसे हल्दी डालकर इसे हल्के हाथों से ऐसे प्रेस कर दिया है। अब इसे उठाकर हमें फ्लेम अपनी तेज कर देनी है और इसमें अच्छी तरह से पानी लगाएंगे ताकि तवे पे अच्छे से चिपक जाए। और अब इसे अच्छे से हम तवे पे डाल देंगे और हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसे सेक लेंगे हाई फ्लेम करके। इसे इस तरीके से चारों तरफ से आप सेक लीजिए, किनारों से भी सेकना जरूरी है वरना अगर ये कच्चा रह जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सिक्कर कितना अच्छा लग रहा है, मैं इसे आपको हटाकर दिखाती हूँ। हम ये दूसरे वाले में भी अच्छे से पानी लगाकर अच्छे से तवे पर डाल देंगे। और ये देखिए हमारा अच्छे से सिक चुका है, अच्छे से पककर तैयार है, आगे से भी पीछे से भी। इसमें हम घी या बटर लगाएंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारा दूसरा नान भी बनकर तैयार है, आप इसे वेबसाइट से भी देख सकते हैं। अच्छी तरह से सिक चुका है और सामने से भी मेरी तवा नान बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।